नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्र का आज दूसरा दिन है और नवरात्रि में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। नवरात्र पर पूरे 9 दिन माँ के अलग अलग रूपों की विशेष तरीके से पूजा अर्चना होती है और आज नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के देवी ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है और देवी ब्रह्मचारिणी को माँ दुर्गा का बेहद शांत और सौम्य रूप माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से लंबी आयु, आत्मविश्वास, सौभाग्य, आरोग्य, अभय की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन में चल रही तमाम दिक्कतें दूर हो जाती हैं। वहीं इस खास पर्व को लेकर सभी भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी भक्त माता के मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच गए हैं, जिसके चलते मंदिरों में काफी भीड़ भी देखने को मिल रही है। हम आपको नवरात्रि की 4 तस्वीरों में दिखा रहे हैं। नवरात्र का दूसरा दिन है, इस दौरान माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है पूरे 9 दिन, जबकि आज नवरात्र का दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना होती है। वही नवरात्र के दूसरे दिन हमारे सहयोगी कानपुर से उपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही वो बताएंगे कि इस वक्त कानपुर में भक्तों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है। उपेंद्र, आज नवरात्र का दूसरा दिन है, ऐसे में मंदिरों के बाहर क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? जी मुस्कान, कानपुर में जिस मंदिर में खड़ा हूँ, 12 देवी मंदिर है, लगभग देखा जाए तो 400 वर्षों से पुराना जो है इनका जो इतिहास है, जो पढ़ते चले आ रहे, लोग सुनते चले आ रहे हैं, आस्था के साथ जुड़ते चले आ रहे हैं। और बात रही सवाल, क्योंकि आज जो माता जो है वो ब्रह्मचारिणी के रूप में रहती है, क्योंकि देखा जाए कहीं ना कहीं जो माता जो है वो आज सफेद वस्त्र धारण करके हाथ में कुंडल और देखा जाए तो अष्टभुज की माला ले करके जो है तपस्या करने के लिए वन की तरफ जाती है। और इसमें देखा जाए तो आज जो जो माता है उनको जो है चरणों में शक्कर का भोग लगाना चाहिए, जिससे कि और भोग लगाने के बाद अपने परिवार के सभी सदस्यों को खिलाना चाहिए वो प्रसाद, क्योंकि उससे आयु और समृद्धि जो है उसकी प्राप्ति होती है। जी उपेंद्र, यू तो भगवान की पूजा अक्सर हम साल भर करते हैं, लेकिन इन 9 दिनों का विशेष महत्व क्या है? जी अगर देखा जाए तो महत्व की बात की है तो महत्व आस्था जो जो इस मंदिर बैठे हुए हैं, इस मंदिर पर जो लोग जो भक्तगण हैं वो अपने बच्चों का मुंडन संस्कार है और संतान प्राप्ति को लेकर के जो यहाँ पे एक आस्था है वो अर्जी लगाई जाती है, वो यहाँ पे भक्तों की पूरी होती है। जी उपेंद्र, आप इस वक्त कानपुर के कौन से मंदिर पर स्थित है और उस मंदिर के बारे में हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाइए। जी आपको पता चला, मैं कैमरा से हिमाचल करना चाहूंगा, दिखाए कि हम लोग आज जो 12 देवी मंदिर पे खड़े हुए हैं और ये 12 देवी मंदिर पे यहाँ पे लोग जो है मुंडन संस्कार और उसके बाद दिखाए संतान की प्राप्ति और तो इसमें देखा जाए पंचमी के दिन जो है यहाँ पे जो है कि इस पे जो 16 सिंगार का सिंगार जो होता है जो माता बहनें चढ़ाती हैं और आपको साफ दिखाते हैं, बिल्कुल लाइव दिखा रहे हैं कि 12 देवी मैया के पूरे दर्शन आपको बिल्कुल लाइव टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। और देखिए किस तरीके से जो भक्त यहाँ पे चुनरी और नारियल का जो है इस माता को भोग लगाते हैं और देखिए साफ शब्दों में दिखा रहे हैं माँ के दर्शन करा रहे हैं आप लोगों को। और ये यहाँ पे देखा जाए तो जो मनोकामनाएं सारी हैं वो मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जो माता बहन है और जो आज जो देखा है तो दूसरा दिन है जिसमें देखा है तो ब्रह्मचारिणी का रूप मान लेती है और उसके बाद कहीं ना कहीं जो भक्त घर है यहाँ पे जो है श्रद्धालु जो है उनकी जो भीड़ लगातार यहाँ पे लगी हुई है। जी उपेंद्र, जिस तरीके से लोग जो है वो मंदिर में माता की पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं, इस तरीके से लोगों की क्या क्या मन्नतें हैं जो वो माता के दरबार में आज पहुंच रहे हैं? अगर देखिए तो श्रद्धालुओं को जो मान्यता जो मन्नत है वो मन्नत तो आदमी शो नहीं करता है, पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो मन्नत आप मांगी जाती है वो मन्नत पूरी होती है। और उसके बाद देखा जाए कहीं ना कहीं तो जो नवरात्र के जो नौवीं वाले दिन है उस दिन जो है मुंडन संस्कार और उसके बाद देखा जाए तो छोटे छोटे कार्यक्रम जो है इस मंदिर पे होते हैं। बिल्कुल उपेंद्र, आप इस वक्त मंदिर में मौजूद हो और आपके पीछे तमाम श्रद्धालु भी मंदिर में है मौजूद, तो आप उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करिए कि आखिर नवरात्र में मंदिर पहुंचने का विशेष महत्व क्या है और वो क्या कुछ अपनी मनोकामनाएं लेके मंदिर पहुंच रहे हैं। आपको अभी बात करते, देखिए आप इस मंदिर में जो है महिला जो है वो बैठी हुई यहाँ पे जो भक्त करा रहे हैं उनका प्रसाद जो है पूरी तरह चढ़ाए गए। क्या नाम है आपका? तो हमारे सहयोगी लगातार लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी उपेंद्र। जी मुस्कान, आपको दिखाता हूँ भक्तों से बात करते हैं
कि भक्त जो है काफी भीड़ होने के कारण यहाँ पर जो है जो यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा है, इसमें बात नहीं हो पा रही है। और हमारे साथ देखिए किस तरीके से दिखाएंगे, देखिए यहाँ पे सुहाग का सामान जो है माता बहनाओं को जो है जो चूड़ी के रूप में जो प्रसाद जो है वो यहाँ बांटा जा रहा है। और हमेशा जो है जो हर नवरात्रि में ये विशेष है जो जो देखिए हर माता बहनाओं को जो है जो प्रसाद रूप में सुहाग का सामान दिया जा रहा है, क्योंकि एक जो मनोकामनाएं जो होती है ये पूर्ण होती है प्रसाद माता का। उपेंद्र, अक्सर हमने देखा है कि नवरात्र पे जो श्रृंगार का सामान होता है उसका एक विशेष महत्व होता है, जैसा कि आपने अभी दिखाया कि यहाँ पर भी श्रृंगार का सामान वितरित किया जा रहा है। श्रृंगार का सामान देने की वजह क्या है जो महिलाओं को ये श्रृंगार का सामान दिया जाता है? जी, अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से जो जो माँ जो नवरात्रि के त्यौहार इस पर देखा था 16 श्रृंगार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 16 श्रृंगार को लेकर के जो है इस जो पूजा जो यहाँ पर जो मंदिर है बारादी मंदिर, इस पर जो 16 श्रृंगार जो चढ़ाया जाता है वो एक देखा है तो अद्भुत है, क्योंकि माता बहनाएं जो है जो कुछ माता बहनाएं जो जिनकी संतान जो प्राप्ति नहीं होती है वो यहाँ पर 16 श्रृंगार पर चढ़ाती है और उसको लेकर कहीं ना कहीं जो 16 श्रृंगार का प्रसाद है वो यहाँ पे अदर माता बहनों को बांटा जाता है। जी धन्यवाद उपेंद्र खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। चारिणी की पूजा होती है और वहीं आपको बताते चले कि नवरात्र के 9 दिनों का विशेष महत्व है, क्योंकि इस पूरे ही 9 दिनों में माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और आज नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। तो आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है जहां मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। वही सुबह से ही मंदिरों के बाहर भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं मां के दर्शन के लिए। जो सभी भक्त हैं वो मंदिर पहुंच रहे हैं, मंदिरों के बाहर भीड़ देखने को मिल रही है और वही श्रद्धालु अपनी अलग अलग मनोकामनाएं लेके मंदिर पहुंच रहे हैं। तो मंदिरों में देवी के भक्तों की जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है और आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है। वहीं मंदिरों के बाहर भक्तों की लंबी कतारों को देखकर जो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी अब पूरी तरीके से मुस्तैद हो चुका है। तो वहीं मंदिरों के बाहर भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है और इन नवरात्र के 9 दिन माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। वहीं आज देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी और देवी ब्रह्मचारिणी को माँ का बेहद ही शांत स्वरूपों में से एक माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि आज के दिन अगर हम शक्कर का भोग लगाते हैं और अगर हम माँ को शक्कर का चढ़ावा चढ़ाते हैं तो उससे लंबी उम्र होती है। इस वजह से जो लोग हैं वो लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं, शक्कर का भोग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो देश भर में ये पर्व बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और देवी ब्रह्मचारिणी की नवरात्र के दूसरे दिन पूजा की जाती है और मंदिरों में भक्तों की साफ तौर पर भीड़ भी देखने को मिल रही है। तो जहां बीते दिनों नवरात्र की शुरुआत हुई तो वहीं आज नवरात्र का दूसरा दिन है। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि नवरात्र को लेकर श्रद्धालुओं में जो है वो खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और अक्सर ये कहा जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले अपने पथ पर अडिग रहते हैं और आज उसी चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है और चैत्र शुक्ल द्वितीय तिथि को माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और व्रत भी रखा जाता है। सफेद कपड़े धारण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी एक हाथ में जप माला और दूसरे में कमंडल धारण करी रहती हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आशीष भट्ट प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन और इस दिन माँ के दूसरे स्वरूप यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, ऐसे में मंदिरों के बाहर भक्तों में कितना उत्साह दिखाई दे रहा है? मैं आपको बता दें कि आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, जिस दिन कल शैलपुत्री माँ का पूजन अर्चन हुई थी, आज ब्रह्मचारिणी माता का पूजन अर्चन चल रही है। आज हम प्रयागराज के शक्तिपीठ मंदिर में है जिसे ललिता देवी कहा जाता है और ये 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। और हम आपको यहाँ के प्रधान पुजारी जी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि इस मंदिर की क्या खास बात है और नवरात्रि के दिन में क्या किस तरीके की पूजा अर्चना या आराधना की जाती है जिससे भक्तों को विशेष तौर पर माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमारे साथ यहाँ पे शिव मुहूर्त यहाँ के प्रधान पुजारी जी हैं, इनसे बात करेंगे। महाराज जी, किस तरीके का ये शक्तिपीठ है और क्या क्या विशेषता है, यहाँ पे क्या खास बात है इस मंदिर की? पुराणों के अनुसार
वाराणस्याम विशालाक्षी नैमिषे लिंग धारिणी प्रयागे ललिता देवी काम की गंधमादिनी। पुराणों में मिलता है कि जब दक्ष प्रजापति ने अपना यज्ञ किया और दूसरे कनखल के यज्ञ में शिव जी को आमंत्रित नहीं किया, बिना बुलाए सती जी वहां पहुंची, शिव जी का भाग न देखकर उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। उनके पार्थिव शरीर को कंधे पर रखकर भगवान शंकर तांडव नृत्य करने लगे। उससे सृष्टि में प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे बचने के लिए सारे देवता भगवान विष्णु के शरण में गए। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती जी के अंगों को काट काट कर गिराया। जहां जहां अंग गिरे वहां पर शक्तिपीठ हुए। यहां पर इस स्थान पर सती जी के दाहिने हाथ की अंगुलियां गिरी हैं और तीन स्वरूप में महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती ये ललिता शक्तिपीठ के नाम से विख्यात है। इसी का श्रीमद देवी भागवत में उल्लेख है, वाराणस्याम विशालाक्षी नैमिषे लिंग धारिणी प्रयागे ललिता देवी। वाराणसी में केस गिरे वहां पर विशालाक्षी नाम से विख्यात है, नैमिषारण्य में लिंग धारिणी नाम से विख्यात है और प्रयाग में इन्हीं को ललिता देवी कहते हैं। महाराज ये देखने को मिलता है यहाँ पे एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर बन चुका है अब इस जगह पे, जो कि एक 108 फीट का ऊंचा गुम्बज भी देखने को मिलता है। एक तो 108 ऊंचा इतना विशाल और 108 ऊंचाई की जो यहाँ बात करी जा रही है, तो क्यों? और ये भी कहा जाता है कि जो ये पूरा मंदिर का स्वरूप है एक श्री यंत्र के उस पर आधारित है, तो ऐसा क्यों? जैसे नाम से ही आधारित है, इनका नाम है राज राजेश्वरी, भगवती राज राजेश्वरी का मंदिर भी अत्यंत शोभनीय है और श्री चक्र के मूल बिंदु में ललिता का निवास है। श्री चक्र की जो 16 बिंदुएं होती हैं उसका जो मूल बिंदु होता है उसमें श्री ललिता का निवास है, इसीलिए इस मंदिर का निर्माण श्री यंत्र के स्वरूप पर किया गया है। और 108 ऊंचा फीट, 108 शिखर को लेकर 108 फीट ऊंचा है। ये भी ये इस मंदिर की खास बात है। यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे पांडव भी आए थे जब लक्षाग्रह के में थे, तो यहाँ से पांडव ने भी यहाँ पर आके पूजा अर्चना की थी माँ का। यहाँ पे एक कुंड भी बनाया गया है, वो भी आज यहाँ पे मौजूद है। तो किस तरीके से यहाँ पे पांडव आए थे, क्या किए थे, किस तरीके से पूजा अर्चना करे थे? पुराणों में मिलता है कि जब लक्षाग्रह से पांडव निकले प्रतिष्ठानपुरी वर्तमान में झूसी, वहां से गंगा पार करके आए और यहाँ पर कहीं सी जानकारी को मिली तो यहाँ पर आकर के उन्होंने कुएं का निर्माण किया। देखा तो जल की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो पांडवों द्वारा निर्मित मंदिर के दाहिनी तरफ एक कुआं है, उसको कहते हैं ये पांडवों द्वारा निर्मित है। इसी कुएं से जल निकाल कर भगवती ललिता का पूजन अर्चन अभिषेक किया। उस दिन वैशाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी, उसी के उपलक्ष्य में आज भी यहाँ मेला लगता है वैशाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। आपको दिखाते हैं अभी अंदर का, आपको दृश्य देखिए, यहाँ पे तीन मूर्तियां हैं माँ दुर्गा की, और आपको अभी हम पहले इस मंदिर का एक स्वरूप दिखाते हैं कितना भव्य है। कि हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि इस मंदिर का एक बार स्वरूप जरूर दिखाएं। आप देख सकते हैं जो सामने का गुम्बज है श्री यंत्र नुमा बना हुआ है, और ये सामने ऊपर एक हमारे देख सकते हैं कि जिस तरीके से 108 फीट ऊंचा गुम्बज आप देख रही हैं। और अंदर हम आपको ले चलते हैं और माँ की अत्यंत खूबसूरत और प्राचीन मंदिर को आपको दिखाते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे देख सकती हैं, यहाँ पे माता यहाँ पे शिलाएं पे पूजा कर रही हैं, यहाँ पे देख सकती हैं जिस तरीके से पूजा पाठ चल रहा है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं किस तरीके से माँ के पास यहाँ पे कई महिलाएं आके यहाँ पे देखिए रक्षा बांध रही हैं, अपनी अपनी मुरादें लेके आई हैं और यहाँ पे रक्षा बांध रही है। जिस तरीके से अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे भव्य स्वरूप आप देख सकते हैं, यहाँ पे माँ की तीन मूर्तियां हैं, माँ दुर्गा, महाकाली और माँ सरस्वती की तीन मूर्तियों को आप यहाँ साक्षात देख सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे भव्य सिंगार भी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सिंगार किया गया है, और यहाँ पे देखिए श्री यंत्र ये रखा है, जिस तरीके से आपको मैंने बताया था अभी कि ये पूरा मंदिर श्री यंत्र के उस पर आधार है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जिस तरीके से अभी देख सकते हैं यहाँ पे कई छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जी तो लगातार हम देख रहे थे कि जिस तरीके से आपने तस्वीरें दिखाई मंदिर के अंदर की, लेकिन आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, तो इसको लेकर लोग क्या कुछ माता से जो मनोकामनाएं है वो लेके पहुंच रहे हैं। आप जो श्रद्धालु हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए और जानिए कि आखिर आज वो जैसे माँ के माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा करने पहुंचे हैं तो उनकी आस्था किस तरीके से जुड़ी है उनसे। जी 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 यहाँ पे यहाँ पे एक श्रद्धालु हैं, महिला श्रद्धालु हैं, उनसे बात करेंगे। मैम आज ब्रह्मचारिणी का दिन है,
तो किस तरीके से आप पूजा कर रही हैं, क्या क्या अपनी मनोकामना लेके आई माँ से? बस मनोकामना यही है कि हम लोग सब सुने माँ, अच्छे से सब कपाल लगे, सबको अच्छे अच्छे से बच्चों को, हम लोग तो शक्ति माँ की बहुत है इसमें, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि माँ सबकी अच्छा करे, सबको सुने। पूजन अर्चन करेंगे? पूजा अर्चना तो सब कुछ करते हैं, हर चीज करते हैं, वो भी है श्रद्धा भक्ति से। इसलिए किसी इन्होंने बताया कि यह अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की बात कर रही हैं और माँ की यहाँ पे पूजा अर्चना करके अपने परिवार की सुख शांति के लिए यहाँ से माँ से आशीर्वाद प्राप्त की। यहाँ पे हमारे साथ सहयोगी और हैं, यहाँ पे पुरुष श्रद्धालु, इनसे बात करेंगे। आज ब्रह्मचारी आज माँ का आज पूजन अर्चन चल रही है, तो किस तरीके से आपने आज यहाँ पे पूजन अर्चना किया और यह शक्तिपीठ है, तो आपने क्या माँ से मांगा आज? माँ से हमें मांगे, हमें बगल में रहते हैं कि सबको खुशहाल रहें, सबकी मनोकामना पूरी करें, और ये शक्तिपीठ है, जो भी यहाँ आता है उनकी सब मांगे माता रानी उनको जो है स्वीकार करती है और सबका कल्याण करती है। और ये बाहर से भी लोग, साउथ से लोग ज्यादा यहाँ आते हैं, और यहाँ जो भी लोग आएंगे अलूपी बाग, ये शक्तिपीठ, यहाँ पे लोग आके माँ का दर्शन करते हैं और माँ उनको जो है अपने चरणों में स्वीकार करके उनको उनके जीवन का मनोकामना को पूरी करने का आशीर्वाद देती। तो जिस तरीके से देख रही हैं यहाँ पे सभी अपने परिवार के लिए और खुशहाली मांग रहे हैं, सुख संपत्ति मांग रहे हैं, और सभी सुबह से आके यहाँ पे देखा जा सकता है किस तरीके से यहाँ पे अभी भी लोग आ रहे हैं, माँ की पूजा कर रहे हैं, और सुबह से ही यहाँ पे भक्तों का तांता लगा हुआ है और आके पूजा पाठ कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जिस तरीके की महिला आ रही है और अपनी ये देख सकती है कि यहाँ पे चुनरी, माला और सुहाग का सामान, जिस तरीके से कहा जाता है नवरात्रि के दिन में अगर माँ माँ को 16 श्रृंगार किया जाता है, माँ का 16 श्रृंगार से उनको किया जाता है, तो एक उसका विशेष फल सुहागिन औरतों को प्राप्त होता है। यहाँ पे एक महिला इनसे बात करेंगे, आज ब्रह्मचारिणी का दिन है, आप किस तरीके से यहाँ पूजा करने आए हो, ये जो ये सामान लेके आई है पूजा को चढ़ाने के लिए, इसमें क्या क्या लाए हो, क्या खास बात है? अरे माता के लिए लाए हैं, माला लाए हैं, नारियल लाए हैं, सिंदूर है, बिंदी है चढ़ाने के लिए। तो आपने देखा यहाँ पे माता के लिए सिंदूर, बिंदी, कुमकुम, ये सब आदि इत्यादि माँ को चढ़ाने के लिए यहाँ पे महिलाएं आ रही हैं, लेके आ रही हैं। बिल्कुल, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि जो महिलाएं हैं वो श्रृंगार का सामान लेके पहुंचती हैं, लेकिन इस श्रृंगार का सामान चढ़ाने की वजह क्या क्या है कि जो महिलाएं अक्सर नवरात्र के 9 दिन में माँ के अलग अलग स्वरूपों को पूरे श्रृंगार चढ़ाती है? देखिए आपको बता दें कि जो ये श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है महिलाएं इसलिए चढ़ाती हैं कि वो सदा सुहागन बना रहे, और माँ को 16 श्रृंगार इसलिए किया जाता है कि उसमें कुमकुम विधि, तो जिस तरीके से माँ को एक श्रृंगार किया जाता है उस तरह वो भी सोचती है कि हमारे लिए ऐसा ही सुहाग बना रहा है, हम भी हमेशा सुहा हमारे पति आज की लंबी आयु हो और हम सदा सुहागन बने रहे। जी जी धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। सभी श्रद्धालु हैं वो लगातार मंदिर की तरफ दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, लगातार सुबह से ही मंदिरों के बाहर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है और इस मौके पर मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। तो हमने लगातार तस्वीरों में भी देखा, प्रयागराज और कानपुर से हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने रहे और उन्होंने तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से जो लोग हैं उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी जो श्रद्धालु हैं वो श्रृंगार का सामान लेकर के पहुंच रहे हैं और माता को श्रृंगार चढ़ा रहे हैं, क्योंकि ऐसा मानना है कि अगर जो सुहागिन महिलाएं हैं अगर वो श्रृंगार चढ़ाती हैं तो उससे उनका जो सुहाग है वो हमेशा सही सलामत रहता है। तो आपने लगातार तस्वीरों के जरिए देखा कि किस तरीके से आज चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मंदिरों के बाहर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। तो हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।